लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी टू डू लिस्ट से मैंने आज तीन चीजें पूरी कर ली। As they say, I have been living my dream, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। तीन महीने पहले मिस्टर खन्ना ने मुझे आई लव यू कहा था और आज फाइनली मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। तीन महीने बाद हाय हाय, कैसे हो? ठीक हूँ, अभी ठीक ही लग रहा है। मैंने टिप्सी को घर छोड़ा, हमने बहुत सारी बातें की, अब उसके आगे हम दोनों के साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तीन महीने बाद फिर से सब कुछ बदल गया। सोचा था जिसके साथ मैंने अपनी सुबह और शामें देखी थी वैसा नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, ये कॉफी। थैंक्स। आपको नींद नहीं आई? नहीं, नहीं आई नींद। मुझे भी नहीं आई। क्यों? खराटे सुनने की इतनी आदत है ना, जब तुम खराटे नहीं मारते तो बिल्कुल नींद नहीं आती। मेरे कमरे से तुम्हारे कमरे तक मेरे खराटों की आवाज सुनाई देती है तुम्हें। Really? Nonsense you talk, यार। करण, प्रभुत के घर के लिए आने के साथ फाइट तो करनी है मुझे, लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया। सुबह सुबह फिर से वही बात। नहीं यार, मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ के लिए कर रहा हूं, ये तुम दोनों का हक है यार। यू गाइस आर फैमिली। या बस बस, आई डोंट वांट टू हियर दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कोई भी मुझे और राधिका को देखेगा तो यही सोचेगा कि करण खन्ना सेकंड टाइम लकी हो गया, पहली बार जो कुछ उसने खोया उसे वापस मिल गया। सेकंड चांस, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कपल लगते हैं, लेकिन बहुत बाहर जो दिखता है वो सच होता नहीं। राधिका मेरे साथ रहती जरूर है, लेकिन हम एक ही कमरे में नहीं रहते, हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। अपने लिए पोहा बना रही हूँ, ऑमलेट बनाऊं? यस प्लीज। राधिका प्रभुत को बुला नहीं पाई और मैं तीन महीने टिप्सी का इंतजार करता रहा। कल जब टिप्सी से मिला तो हंसना झगड़ना रूठना मनाना सब हो गया, लेकिन एक बात रह गई। एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारी जरूरत थी मुझे, जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यू वांट दैट? रियली मिस्टर खन्ना, आप ये सब बातें इस वक्त करना चाहते हैं यहाँ? वैसे भी ये बातें आप क्यों कर रहे हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। लिसन, आई नो हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन करते थे? व्हाट डज दैट इवन मीन? करते हैं बोलना चाहती हो ना तुम? मिस्टर खन्ना, इम्पोर्टेंट बात ये है दैट राधिका नीड्स यू मोर। आप और मैं दोनों जानते हैं कि प्रभुत भी ये। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि राधिका और मैं हम दोनों भेड़ बकरियां हैं, कि प्रभुत ने बस कह दिया कि हम दोनों को साथ में रहना है तो बकरियों की तरह अब हम साथ में ही रहेंगे? मैं थोड़ा सा वक्त मांगा था तुमसे, दैट्स ऑल आई आस्क्ड। तुम इस तरह भाग क्यों रही हो?
Is it possibly because जब तुम मुझसे मिली मैं काफी अच्छा खासा eligible bachelor था and now I'm a man with a lot of responsibilities. अब मेरी liabilities हैं. Is that the reason? आपको मजाक सोच रहे हैं इस वक्त. Okay, sorry. You want me to get serious? Let's get serious. I love you, Dixie, and you know that. तुम्हारी वजह से सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया. मैं अब दूसरों के बारे में सोचने लगा हूँ तुम्हारी वजह से. Yes, of course. Radhika and Trisha are my responsibility. मैं उनका ख्याल रखूँगा. I cannot deny it. But there is one more thing that I cannot deny, and that is you. 3 से 4 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा. I guarantee you कि ठीक हो जाएगा. और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूं. तिरुमला एक्सप्रेस, तुमको जिस शहर में जाके छुपना है तुम जाओ. I will come find you. इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, hey, hey, you want to know why? Because I know that you love me too. 3 to 4 months is all you have. अब सारी रात इस तरह मेरी शक्ल देखने का इरादा है. घर नहीं जाना, अब लोग नहीं देख रहे हैं, लोग बातें नहीं करेंगे. अब कौन आ गया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हरिद्वार वाइफ के साथ तुम यूरोप पूरा घूम के आई हो. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमको वीजा कैसे मिला. आप यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर खन्ना? मैं घर में अकेली हूँ. That supposed to mean तुम घर में अकेली हो? Is that some sort of a hint? Behave, मिस्टर खन्ना. Will you relax? क्या हो गया तुमको यार? बैग अपना गाड़ी में भूल आई थी तुम, उसको लौटाने आया हूँ मैं. Okay, thanks. What do you mean, thanks? कैसा दिमाग है तुम्हारा? क्या क्या सोचती हो तुम यार? मतलब Are you some sort of sex maniac? What? What did you just call me? Sex maniac. Shh! कितनी गंदी सोच है आपकी मिस्टर खन्ना. गंदी सोच तुम्हारी और तुम मुझ पर प्रोजेक्ट करते हो. Okay, fine. ठीक है. मेरी सोच गंदी है ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया. आज के बाद ना मैं आपसे कभी मिलूंगी, ना मैं आपसे कभी बात करूंगी और ना ही मैं कभी आपकी शक्ल देखूंगी. थैंक यू फॉर द बैग. अबे, अरे मैं उसे बता नहीं पाया कि राधिका मेरे साथ रह रही है. मुझे कल ही बता देना चाहिए था उसे. जो मैं कल नहीं कर पाया वो मैं आज जरूर करूंगा. टिप्सी मुझे समझेगी क्योंकि वो टिप्सी है, मेरी टिप्सी. I'm so sorry. अब मैं इतनी लंबी छुट्टी पे नहीं जाऊंगी. ओके, रियली सॉरी. क्या बोलने का लिए है? यो कड़वले, ये लड़की, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हेलो हेलो मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, हेलो मिस्टर खन्ना, हेलो. व्हाट हैपेंड? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मिस्टर खन्ना, आई नो मैंने आपसे कल कहा था कि हाँ हाँ याद है क्या कहा था? दैट यू डोंट वांट टू एवर सी मी और टॉक टू मी अगेन. तो व्हाट हैपेंड? फोन कर रही हो इतनी घबराई हुई सी? आई नो मैंने ये सब आपसे कहा था मिस्टर खन्ना, लेकिन क्या आप इस समय मेरे घर आ सकते हैं? आई रियली नीड यू. ओके ओके, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ. क्या बात है, योगा तुम कर रही हो और फिट करण होता जा रहा है. बेला, तुम एक हफ्ता लेट आई हो. बुटीक की ओपनिंग परसों है. आई नो, इसलिए तो लेट आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि काफी सारा काम खत्म हो गया होगा. मिस्ड यू सिली गर्ल. आई एम सो हैप्पी यू हियर. मी टू, मिस्ड यू. वैसे दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हो. इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगी तू? जज करूंगी. Bye, Radhika. You still have a chance to be a family. हाँ, तो इसका अलग अलग दो कमरों में रहने से क्या ताल्लुक है? सारी रिलेशनशिप ना बेडरूम से ही शुरू होती है. And can I disappoint you? Now what? It is
सस्पेंस। अरे पर तुम इतनी घबराई हुई थी फोन पे, यू वर वेरी हाइपर यार, क्या हो गया, व्हाई वी कॉल्ड मी? चेरी भाग गई है मिस्टर खन्ना। व्हाट? चेरी भाग गई है। उसकी शादी कल हुई है और आज वो भाग गई। वेयर इज विशाल? वेयर इज विशाल? डज़ ही नो? विशाल के साथ ही भागी है वो। तुम बैठो। व्हाट? सिट डाउन प्लीज। व्हाई आर यू स्माइलिंग? सिट डाउन फॉर वन सेकंड। सुन, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। पति पत्नी शादी के बाद अगर कहीं जाते हैं उसे भागना नहीं कहते, हनीमून कहते हैं। शेरी और विशाल भाग गए, मैं इस घर में अकेली हूँ और कल चिट्ठी आने वाली है। तो क्या हुआ अगर चिट्ठी आने वाली है यार, वो उसकी माँ है, कोई हरिकेन कटरीना थोड़ी है। Why you guys overreacting? आज सुबह जब मेरे दिमाग से रोमांस का नशा उतरा ना, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी माँ को अगर पता चला ना कि मैंने शादी कर ली है और वो भी एक चिकन ईटिंग नॉन ब्राह्मण नॉन तमिल पंजाबी आदमी से, तो पाप शुद्धि के लिए तो मेरे बाल तिरुपति महाराज को गिफ्ट कर देगी। मैं ना कुछ दिनों के लिए बस घर छोड़ के जा रही हूँ, तू प्लीज संभाल लेगी ना बहन? अरे कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ नहाने। आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? हम सब फंस जाएंगे मिस्टर खन्ना, आप, मैं, विशाल, शेरी, हम सब। आप नहीं जानते मेरी चिट्ठी को। तुम फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ। अरे मैं सुबह से फोन लगा रही हूँ। Just keep trying। एक मिनट, वो मेरी कॉफी है। तो मैं तुम्हारी कॉफी नहीं पी सकता, तुम कोई गैर हो मेरे लिए? Excuse me? What do you mean excuse me? तुम फोन लगाओ, तुम्हारी बहन मिसिंग है और तुम्हें फिक्र नहीं है, come on call her। But that's my coffee। Call her। था ही नहीं रही है यार वो फोन, क्या मुसीबत है। ये क्या कर रहे हैं आप? आप फिर से मेरे बेबीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्रोटन एंड दिस इज चाइनीज एवरग्रीन। व्हाट? तुम्हारे बेबीज के असली नाम हैं। नहीं मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे अभी अभी इसी ने बताया। आई वॉज मिसिंग यू यार, याद आ रही थी तुम्हारी, से तुम्हारे पीठ पीछे मैंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। ये प्लांट्स, ये पौधों में अब मुझे भी नॉलेज है। आई ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग देम, फैक्ट लविंग देम। यू लव प्लांट्स? यस। व्हाई इज इट सो अनबिलीवेबल? बिहेव मिस्टर खन्ना। क्या? बिहेव मिस्टर खन्ना। पता नहीं क्यों आज के तुम्हारे बिहेव मिस्टर खन्ना में वो हैराव वाली बात नहीं है। यू नो वो दैट पावर इज इन देयर, कन्विक्शन मिसिंग है। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू एक्चुअली डोंट वांट टू बिहेव। क्या हो? सांस फूल गई, दमे की बीमारी? इट्स ओके, इस उम्र में होती है। ओके नहीं हटा तो पीछे हटिए मिस्टर खन्ना। विशाल का फोन है। अरे हेलो विशाल, किधर हो तुम लोग? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। विशाल व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू यार, तुम लोग दोनों जल्दी से वापस आ जाओ यार। अरे शेरी मना कर रही है और कह रही है कि टिप्सी सब कुछ संभाल लेगी। विशाल शेरी को फोन दे। शेरी, शेरी स्पीक टू हिम ना यार प्लीज। अरे वो तुमसे बात करना चाहता है यार। यू पुट ऑन स्पीकर फोन। करण यू आर नाउ ऑन स्पीकर। शेरी कैन यू हियर मी? ये क्या कर रही हो तुम यार? जस्ट बिकॉज़ तुम्हारी बहन ऐसी सीधी साधी है, तुम ऐसे उसको अकेले छोड़ के भाग कैसे सकती हो? और सीधी साधी क्या बेवकूफ है यार, 3 हफ्ते में मुझे तो पता चल गया था कि वो कुछ नहीं संभाल सकती। पता नहीं तुझे कहाँ से इतना विश्वास हो रहा है कि वो संभाल पाएगी, कहाँ संभाल पाएगी वो? एक मिनट, आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? पॉइंट की बात कीजिए ना। शेरी तू मेरी बात सुन, ओके? लिसन, अगर तू चाहती है ना कि तेरा फ्यूचर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए और साथ में मेरा भी, तो तू रहे वहाँ पे, मत आ वापस। लेकिन अगर तू चाहती है ना कि चिट्ठी हमारे साथ कुछ भी बुरा ना करे, तो प्लीज वापस आ जा यार, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बहन प्लीज इस बार तो संभाल ले,
बहन मैं दो दिन में वापस आती हूँ, ओके? विशाल, लिसन टू मी, विशाल। फोन कट कर दिया यार, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। एक मिनट। स्विच ऑफ पे। एक मिनट, फोन पे बात करने से बेटर आमने सामने ही बात कर ले। आमने सामने? आपको पता है वो लोग कहाँ हैं? Unfortunately, yes. What? चल। अरे? चल। वैसे एक बात बताओ, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? कैसे? मतलब जैसे वो दोनों भाग गए हैं, हम क्यों नहीं भागे? We could have ना, अब हम लोग भी भाग के शादी कर तो सकते। तो सोचो ना, हम लोग जो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते, जैसे अभी जाने वाले हैं, और रास्ते में छोटा सा होटल मिलता, समथिंग लाइक नाइट लवर्स, नाइस टू दैट बी। हो गया आपका जोक खत्म? यार यू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर यार। हंसो। चले। अरे ले लो ना फोन। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बात कर लूंगी। प्राइवेसी चाहिए। आई जस्ट सेड कि मैं बाद में बात कर लूंगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपको हर चीज में शक करना जरूरी है क्या? नहीं यार, मैं ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, मतलब फोन मुझे क्या। चलो। कहाँ? अंदर। अंदर क्यों? इसी के लिए तो आए हैं। What is wrong with you? I don't believe this, Mr. Khanna. I mean, आप थोड़ी देर पहले ये सब बातें कर रहे थे, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। But you serious about it? आपकी बहन और विशाल अंदर छिपे हुए हैं। That is why we are here. इसीलिए तुमने मुझे फोन किया था। अब हम यहाँ आ गए हैं तो तुम उनसे मिलना नहीं चाहती? यहाँ? जी हाँ, यहाँ। You know what? You are unbelievable. ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? I mean like really. और मैं हूँ, तुम अगर एक फोन करो, just one, और बोलो करण I need you, मैं भाग के आ जाता हूँ। ट्रैक पैंट और चप्पल पहन के आया हूँ, चेंज भी नहीं किया। That is me. और तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचती हो। कोई इनका प्लान नहीं मान रहा है, ओके? ये बात को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, सो प्लीज। अरे हियर मी आउट यार, हद होती है। शेरी, सबसे पहले हमको ये शादी अंडू करनी पड़ेगी। You're gonna have to remove all this sindoor and all that. मिस्टर खन्ना, what are you? नहीं, please, I didn't mean that seriously. विशाल, I can't leave you. Hey, guys, stop overreacting. यार, just hear me out. शेरी, तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है? यही कि उसको विशाल जैसा लड़का पसंद नहीं है। तो हम विशाल को वैसा लड़का बनाएंगे जो तुम्हारी माँ को पसंद आएगा। तुमको इस वक्त सिर्फ ये करना है, घर जाना है और अपनी अम्मा से कहना है कि तुम्हें शादी करनी है। That's it. Now, explain to me, तुम्हारी अम्मा को कैसा लड़का पसंद आएगा? तो हम वैसा लड़का ढूंढेंगे और तुमको और उस लड़की को मिलवाएंगे। अरे मैं तो सबको पसंद आ जाती हूँ। Meanwhile, विशाल, तू SRK का रोल करेगा। Like in that movie Dar? No, like in the movie DDLJ. You stupid. तू अम्मा के पीछे लग जाएगा ताकि अम्मा तुझे पसंद करने लगे। Yes. और तब तक ना शेरी की शादी किसी और के साथ हो जाएगी। नहीं, क्योंकि एन मौके पर
वो लड़का कहेगा मुझे ये शादी नहीं करनी, एंड एट दैट टाइम विशाल आगे बढ़ेगा और कहेगा मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा. व्हाट अ प्लान. दिस इज अ रियली डेंजरस प्लान. ओह कम ऑन यार. एक मिनट मिस्टर खन्ना, आप सच सच बताइए, ये आपकी किसी फ्लॉप फिल्म की स्टोरी है ना जो आप यहाँ पे? मैडम, तीन सुपरहिट फिल्म दी थी मैंने बैक टू बैक, और उन सारी तीनों हीरोइंस के साथ सिर्फ हाथ नहीं थामा था मैंने. इफ यू नो व्हाट आई मीन. डिस्गस्टिंग यू आर. आई मीन इतनी बड़ी बेटी है आपकी और कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो इतनी बड़ी बेटी आप है ना, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त मैं यंग था. गाइस गाइस प्लीज विल यू टू स्टॉप इट. अगर उस लड़के ने शादी करने से मना नहीं किया तो वो तू मुझ पर छोड़ दे. यू ट्रस्ट मी, इस बार तू घर चल. That is my responsibility. Come on, let's go. Pack up. Come on. I love this plan. I love you, Karan. शादी मेरी हुई है. I love you, Karan को. I hate this guy, man. I hate him too. I heard that. सुजीत गबरू है. यहाँ पर क्या है? अरे वो एक्चुअली मेरा स्कूल फ्रेंड ना, मैं नहीं आती. I'm so tired. लेकिन मेरा स्कूल फ्रेंड है. Okay. ओके. अरे यार टिप्सी भी. Tipsy, my God. Oh, so good to see you after Europe. Please, have a seat. Come on. I got stuck. Oh, dil mera. You left your phone in the car. Thanks. Mr. Khanna, this is at... Sorry, just give me 2 minutes. I'll just be back. Mr. Khanna, listen. आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आ ही गए हैं तो एक मिनट रुकिए. I'm so sorry. Tipsy. I just got. Some, I know. Actually, I got. I don't understand. Just come with me. Karan Khanna. ये वही है जिसके बारे में तुमने इतनी बातें की. See, Karan Khanna, the guy you couldn't stop talking about, the guy who gave you wings. इसका हर सेंटेंस मिस्टर खन्ना से स्टार्ट होता था. टिप से कह रही थी कि आपने बस 3 हफ्तों में इसको पूरा बदल डाला. तुम हिंदी अच्छा बोल लेते हो. थैंक यू. मैं 2 महीने का हिंदी का कोर्स कर रहा था, कंप्लीटली यूजलेस. फिर मैं टिप्सी से मिला. हिंदी तो टिप्सी ने सिखाया मुझे. एंड आई वाज स्टार्टिंग अबाउट इंडियन कल्चर. टिप्सी ने मुझे ये भी सिखाया कि दूर से देखने से या किताबों में पढ़ने से इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस इट. सो तो मैं आ गया इंडिया टूर पर. अरन, यू हैव अ ट्रेन राइट? व्हाट टाइम इज इट? I should have left half an hour ago. So sorry, I don't spend any time with you. Oh, see you next time. Mwah. Oh, it was true what she was saying. You are an amazing guy. And yeah, between you and me, she's a keeper too, huh? So, you see each other, huh? Thank you. Take care of yourself. Bye. आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. नो थैंक्स, मैं कैब लेके चलूँगी. टिप्सी, लिसन टू मी. टिप्सी, एक मिनट मेरी बात सुनो यार. तुम टिप्सी, वन सेकंड, जस्ट कम.
I'm sorry यार टिप्सी मैं इतनी बार प्लीज कह रहा हूँ तुम एक सेकंड के रुक क्यों कह रहे हैं आप प्लीज मैं बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले आपको प्लीज आपने सुनी मेरी बात सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया I'm sorry यार I really am लेकिन तुम सीधे सीधे सब कुछ मुझे बता क्यों नहीं सकती थी I mean अगर कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच में तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत मुझे नहीं पता मैंने क्यों झूठ बोला मुझे नहीं पता था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे सो आई लाइड या आई लाइड लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका कुछ भी कंक्लूजन निकाल लें मिस्टर खन्ना यू थॉट आई वाज ऑन अ डेट ये सोचते हैं आप मेरे बारे में कि मैं झूठ बोल के ये करूंगी क्या जानते हैं आप मेरी ट्रिप के बारे में कि तीन महीने मेरे साथ क्या हुआ क्या पता है आपको आपको ये लगता है ना कि मैं ट्रैवल नहीं कर रही थी भाग रही थी हाँ मैं भाग रही थी आपसे भाग रही थी मैं और हाँ मैंने झूठ बोला आई लाइक टू यू यू नो व्हाई बिकॉज़ आई एम स्केर्ड मुझे डर लगता है अरे किस बात का डर लगता है तुम्हें व्हाई यू सो स्केर्ड यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो तो व्हाई कांट वी जस्ट से टू ईच अदर दैट आई लव यू एंड बी डन विद इट यार आपने अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट आउट कर ली बताइए टेल मी आपकी लाइफ में मैं कहाँ हूँ वेयर डू आई फिगर इन योर स्कीम ऑफ थिंग्स Your phone. Just one second. Karan, मैंने आज दोबारा आलू बना दिए लेकिन कल से नहीं बनाऊंगी हम दोनों मोटे हो रहे हैं करण कल से सिर्फ सैलेड ओके खाना घर पे खाओगे ना बाय सी यू क्या हुआ किसका फोन था मिस्टर फ्रेंड ही जस्ट नीडेड समथिंग एनीवे मिस्टर खन्ना आई एम सी गेट अब तुम बात नहीं करोगे अब मैं बात करूंगा और अब तुम सुनोगे यू आर राइट तुम बिल्कुल सही हो मेरी जिंदगी में रिस्पांसिबिलिटीज हैं इश्यूज हैं जो मैंने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किए यू आर राइट लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी छोटी छोटी इश्यूज हैं लाइक शेरी चिट्टी विशाल वॉट एवर मैं अपने सारे इश्यू सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मेक प्लेस फॉर यू इन माई लाइफ सो लेट्स मेक अ डील मैं अपनी सारी इश्यू सॉर्ट आउट करता हूँ तुम अपनी छोटी छोटी इश्यू सॉर्ट आउट करो एंड आफ्टर दैट लेट्स रियली रियली बी टुगेदर जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आई विल कम फॉर यू कैन वी डू दैट प्लीज अब तुम कहो क्या कह रही थी मैं बोलो ना मैं कह रही थी कि आप बड़े हो गए होना ही पड़ेगा ना तुम एक बार भाग गई थी क्या पता फिर से भाग जाओ तो तुमको रोकने के लिए वॉल ऑफ चाइना खड़ी करनी पड़ेगी ना मुझे तो मैं वैसे बनने की कोशिश कर चलो टिप्सी जानती है कि मैं राधिका की मदद कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये बात मैंने उससे क्यों छुपाई कि राधिका मेरे साथ मेरे ही घर में रह रही है Why am I so scared that she will misunderstand? शायद इसीलिए क्योंकि मुझे उसे गलत समझने में एक मिनट भी नहीं लगा मैंने मिस्टर खन्ना को अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए तो कह दिया लेकिन मैं उनके आई लव यू का जवाब क्यों नहीं दे पाई क्या अब भी मैं अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ पाई हूँ मिस्टर खन्ना के ऊपर मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी ये कह के कि उनका अतीत हमारे आज के आड़े आ रहा है मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई मेरा अतीत सिर्फ अतीत ही नहीं मेरा सबसे बड़ा डर भी है मिस्टर खन्ना के आई लव यू का जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं ये शब्द किसी और को दोबारा कहने की